स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। बात करते हैं भोपाल के, जहां बेटे के साथ वोटिंग करने का बीजेपी नेता का वीडियो सामने आने के बाद अब हरदा में पूर्व मंत्री कमल पटेल की तस्वीर सामने आई है, जिसमें वो वोटिंग करते हुए अपने पोते के साथ नजर आ रहे हैं। इस फोटो को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई है और कार्रवाई की मांग की है। ये पूर्व मंत्री कमल पटेल की फोटो, जहां पर वो पोलिंग करने के लिए पहुंचे हैं, वोट देने के लिए पहुंचे हैं, और कांग्रेस की आपत्ति है इस फोटो को लेकर। कार्रवाई की मांग कांग्रेस ने की है। यहां जूतों में सर्कल आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह कमल पटेल के साथ कोई और भी है, यहां पर ये शूज से दिखाई दे रहा है। तो कमल पटेल के साथ कमल पटेल है, उनका वीडियो वायरल होता है, उनके लोग डालते हैं, वो किस तरीके से अपने लोगों के साथ, बच्चों के साथ जाके वोटिंग, जहां मशीन है वहां तक जाते हैं और वोट करके आते हैं। ये जो पूरा मसला है, ये संवेदनशीलता का मुद्दा है, ये जिम्मेदारी का मुद्दा है, ये नैतिकता का मुद्दा है। और जब बड़े लोग, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो इसके माध्यम से संदेश क्या देना चाहते हैं। प्रवीण तवर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रवीण, फोटो में साफ जाहिर हो रहा है कि इस जहां पोल वोट देने के लिए गए हैं कमल पटेल, उनके साथ कोई और भी है। कांग्रेस ने ऑब्जेक्शन भी रेज कर दिया है, क्या कुछ हुआ है अब तक इस पर? जी हाँ, इस पूरे मामले में जो हरदा के कलेक्टर थे, उनसे जो हमारी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि इस पूरे मामले में फोटो उनके सामने भी आया, और उन्होंने जो उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उससे इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस पूरे मामले में अगर कहीं भी आचार संहिता के उल्लंघन का मामला कहीं भी सामने आएगा, तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। जी शुक्रिया आपका। बात अब रायसेन की कर लेते हैं, जहां न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। अवैध तरीके से यहां पर बोरवेल मशीन काम कर रही थी, न्यूज 18 की टीम को देखकर मशीन लेकर कर्मचारी भाग गए। प्रतिबंध लगा हुआ है, उसके बावजूद भी अवैध बोरवेल का काम जारी है। जानकारी मिलने पर भी अधिकारी नहीं पहुंचे। कल ही न्यूज 18 ने प्रमुखता के साथ खबर दिखाई थी, कलेक्टर के आदेश के बावजूद यहां अनदेखी हो रही है। 8 अप्रैल का कलेक्टर का आदेश है, उसके बावजूद भी अवैध रूप से यहां पर बोरवेल मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा था। और जब न्यूज 18 की टीम वहां पर पहुंची, तो मौके से मशीन लेकर कर्मचारी भाग गए। तो 8 अप्रैल को कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया था, प्रतिबंध लगाया गया था बोरवेल के इस्तेमाल पर, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध तरीके से ये काम जारी था, खनन का, बोरवेल का, और अवैध रूप से यहां पर बोरवेल का इस्तेमाल, बोरवेल मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा था। कल ही न्यूज 18 ने प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया था, और खबर दिखाए जाने का असर हुआ है। हालांकि जब इस बात की शिकायत दी गई थी अधिकारी को, तो अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे, लेकिन न्यूज 18 की टीम को देखकर कर्मचारी मशीन लेकर भाग गए। दिनेश यादव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। दिनेश बताएं। जिस तरीके से बात की जाए, रायसेन कलेक्टर ने यहाँ पर कहीं ना कहीं अवैध ट्यूबवेल खनन पर यहाँ पर रोक लगाई थी, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो ट्यूबवेल कारोबारी हैं अवैध रूप से यहाँ पर जिले भर में ट्यूबवेल यहाँ पर लगा रहे हैं प्राइवेट और निजी तौर पर। कल ही इस मामले को न्यूज 18 ने प्रमुखता से उठाया था, और हमने खबर दिखाई थी कि किस तरीके से यहाँ पर कलेक्टर के आदेशों की यहाँ पर अनदेखी की जा रही है। उसके बाद आज जिस तरीके से न्यूज 18 की टीम यहाँ से गुजर रही थी, और यहाँ पर जिस हिसाब से यहाँ पर ट्यूबवेल लग रहा था, लेकिन जब जैसे ही न्यूज 18 की टीम को अवैध कारोबारियों ने यहाँ पर देखा, तो हड़कंप मच गया, और यहाँ पर मौके से जो है बोरवेल मशीन यहाँ पर हटा ली गई है। हालांकि हमने स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों को भी जिम्मेदारी से यहाँ पर बात कर उनको कहा था कि ये मशीन चल रही है, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर जिम्मेदार मौके पर नहीं पहुंचा। तो बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से कलेक्टर यहाँ पर आदेश जारी करते हैं किसी भी लेकर, लेकिन नियम नीचे के जो अधिकारी होते हैं, जिम्मेदार अधिकारी होते हैं यहाँ पर, उन नियमों को पालन
आंदोलन कराने में यहाँ पर कहीं ना कहीं नाकाम दिखाई दे रहे हैं। अब इस मामले में एक बार फिर हम जो है रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे से बात करेंगे कि किस तरीके से आपके आदेशों की यहाँ पर अवहेलना हो रही है और जो जिम्मेदार हैं वो यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी से यहाँ पलड़ा झाड़ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। कलेक्टर के आदेश के बावजूद भी यहाँ पर आदेश की अवहेलना देखने को मिली है। अवैध रूप से बोरवेल मशीन से यहाँ पर बोर किया जा रहा था, लेकिन न्यूज 18 की टीम को देखकर मशीन लेकर वहां से लोग भाग गए। और अब खबर जबलपुर से है, जहां एक शख्स पर अपनी भतीजी की हत्या